ओके, मैं शुरू करती हूँ फिर से दिन। शुड आई स्टार्ट? हेलो ओके ठीक है। क्लास हम बायोडायवर्सिटी पे थे और हमारा एक मेजर कंसर्न ये था कि बायोडायवर्सिटी क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है, करेक्ट, कम होता जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो हम इस पार्ट पे आ गए थे कि चार मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी इज इन कम, और उसको बोलते हैं इविल क्वाड्रेंट। इविल मतलब खराब, क्वाड्रेंट मतलब चार, ठीक है। सो फर्स्ट वाला, कभी भी आपको किसी ने भी पूछा व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, आपका आंसर यही रहेगा, हैबिटेट लॉस। क्योंकि हमने हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हैबिटेट मतलब हाउस, प्लेस जहां पे सारे ऑर्गेनिजम्स रहते थे। तो जो टाइगर है, जो लायन है, जो एलिफेंट है, जो डियर है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनका जो नेचुरल रहने का जगह था वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। फ्रेगमेंटेशन मतलब पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो बड़े बड़े फॉरेस्ट के बीच में से हमने टनल बनाए हैं, हमने रोड्स बना दिए, रेलवे बना दिए, तो टुकड़े हो गए ना, बड़े बड़े फॉरेस्ट छोटे छोटे पीसेस हो गए, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। हमने बहुत सारे माउंटेन्स को तोड़ा है, कट कर दिया है अपने हिसाब से रास्ता बनाने, ठीक है। सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ओके, प्राइम कॉज। सो देर इज रिडक्शन इन नेचुरल हैबिटेट, लोकल डिग्रेडेशन आजकल बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। उधर वो आपका दिल्ली में आपको अपडेट दीपक, चाहिए दीपक तुम्हारा ऑडियो ऑन है? या थैंक यू दीपक। तो देर इज रिडक्शन इन नेचुरल हैबिटेट, वो एनिमल कहाँ जाके रहेगा? उसका खुद का जो नेचुरल घर है वो तो हमने तोड़ दिया, बिगाड़ दिया बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, करेक्ट। लॉस ऑफ लोकल हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज अ थ्रेट। थ्रेट मतलब उनको हमने एकदम परेशान करके रख दिया, उनको एकदम व्हाट यू से रिस्क में डाल दिया। किनको? माइग्रेटरी बर्ड। तो बहुत दूर दूर से बर्ड आते थे, एक जगह पे रुकते थे, वहां पे ब्रीड करते थे, अब वो नहीं आते, ठीक है। अब वो क्यों आएंगे? क्योंकि आपने वहां पे फैक्ट्री खोल दी है, वहां पे गंदा पानी, तो नहीं आ, तो वो रिस्क हो गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे जहाँ पे फुल टाइम बहुत घना जंगल हुआ करता था, वो हम लूज कर रहे हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। 14% से 6% पे आ गया फॉरेस्ट, 14 से 6 पे, आधे से भी कम हो गया। आर यू सीइंग दैट फिगर? सो ऑल दीज आर नेचुरली मेजर कॉजेज ऑफ हैबिटेट लॉस, करेक्ट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कुछ चीजों को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ही यूज करते हैं हम उनको। जैसे हम फिशेज, फिशेज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो फिश को कैच करके हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। अभी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? नेचुरली ओशन में फिशेस कम होती जाएंगी। तो टिपिकल एग्जांपल देखें, यहाँ पे दिया हुआ है डर्थ ऑफ फिशेस, यानी वो कम हो रही है। डोडो बर्ड, उसको भी मीट के लिए किल करते थे। स्टीलर काउ, पैसेंजर पिजन, ये तीनों अभी अभी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं इन दीज 100 ईयर्स, एंड दैट इज बिकॉज वी हैव ओवर एक्सप्लॉयटेड, ठीक है। तो देखो, यूज करना, एनिमल क्या करता है? यूज करता है। ह्यूमन क्या करता है? यूज करता है, जमा करता है, ओवर यूज। ओके, अगर मुझे एक फिश खानी है मेरी फैमिली को, मैं क्या करूंगी? और 4 दिन के लिए और 4 फिश पकड़ के रखो, विच इज एक्सप्लॉयटेशन। हम नेचर को अपने हिसाब से कुछ ज्यादा यूज कर लें, एंड दैट कैन बी वेरी रिस्की। इट इज ऑलरेडी वेरी रिस्की। ये देखिए डोडो बर्ड, ये तीनों चीजें एक्सटिंक्ट है अभी। कीलर सी काओ, पैसेंजर पिजिन, ये सब हमारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट, ठीक है। एलियन स्पीशीज, अगर बाहर की कोई स्पीशीज आती है, कहाँ आती है? कोई भी, सपोज हमने मुंबई में एक ऐसा पेड़ लेके आया जो मुंबई का नहीं, तो वो जो बाहर का पेड़ है, अगर वो स्ट्रांग निकला,
तो फिर वो मुंबई के पेड़ों के लिए प्रॉब्लम है। अगर एक एनिमल लेके आते हैं, सपोज हम एक फिश पकड़ के लाते हैं जो उस रिवर की नहीं है जिसमें बाकी फिशेज हैं, और हमने उसमें डाल, अगर वो फिश स्ट्रॉन्ग निकली तो वो दूसरे फिशेज को मार सकती है, उनके साथ कॉम्पीट कर सकती। तो बहुत बार जब हम न्यू स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, देर आर चांसेस दैट जो पहले की फिशेज है उनके लिए रिस्क हो जाए। अब एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत टिपिकल कैरेट ग्रास, लैंटाना इज अ फ्लावरिंग प्लांट, वाटर हाइसिंथ अगेन फ्लावरिंग, ये तीनों हमने इंट्रोड्यूस किए और ये इतना ग्रो होता है कि बाकी चीजों को ग्रो ही नहीं होने देता। ओके, दूसरा देखिए, एक फिश है नाइल पर्च, फिश का नाम, उसको जब डाला गया किधर, लेक विक्टोरिया में, तो वहां की जो नॉर्मल फिश थी सिक्लिड, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस, ओके, वो इंडिया की नॉर्मल फिशेस को ग्रो नहीं होने देती। तो ये जो अफ्रीकन कैटफिश है क्लैरियस गैरिपेनस, नाइल पर्च, ये लैंटाना, ये कैरेट ग्रास, ये सब फॉरेनर्स जो आके क्या करते हैं, वहां की लोकल वैरायटी से कंपटीशन करते हैं और उनको ग्रो नहीं होने देते, तो उसको बोलते हैं एलियन। एलियन मतलब बाहर वाला ना, कोई एलियन स्पीशीज अगर हमने, पर उसको लाया कौन, हम ह्यूमन बींग लाते ना, अपने आप तो वो स्पीशीज बहुत रेयरली आते, हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह प्लांट और एनिमल को शिफ्ट करते रहते, और वो वहां पे रहने वाले नॉर्मल स्पीशीज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते। ठीक है क्लास, सो दैट इज वन प्रॉब्लम। और ये देखिए लैंटाना कैमरा, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं इसलिए उसको ग्रो किया गया था, कॉमन है, देखिए बहुत कॉमन फ्लावर। ओके सॉरी, ये देखिए एकॉर्निया, अगेन वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा पॉन्ड के ऊपर ऐसा दिखता है पूरे ग्रुप, आपने देखा होगा ऐसे पूरे पॉन्ड में एकदम अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड। इसको जल कुंभी बोलते हैं, जल कुंभी, पार्थीरियम, ये देखिए छोटे छोटे, बहुत छोटे से फ्लावर होते हैं, जंगली घास की तरह ग्रो, एंड ऑल थ्री आर फॉरेनर्स जिसको यहाँ लेकर आए, वन लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, ये देखिए नाइल पर्च, क्लेरियस गैरिपिनस, जिनको हमने इंट्रोड्यूस किया तो जो लोकल फिशेस थी वो कॉम्पिटिशन में परेशान हो गए। ठीक है, को एक्सटिंक्शन, कभी कभी क्या होता है, दो स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर इतने डिपेंडेंट होते हैं कि एक की डेथ से दूसरे की भी डेथ हो जाए, मतलब अगर हमने एक को हटाया, एक को मारा, तो दूसरे की भी डेथ हो जाती है। सो सी, को एक्सटिंक्शन, लुक केयरफुली एट द वर्ड, को मतलब साथ में, तो ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, ओके, तो इफ बी इज डेड तो नेचुरली ए हैज टू डाई, ऐसा हो जाए को एक्सटिंक्ट। ठीक है, सो इट इज ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी, वो दोनों के एक साथ रहते हैं, गेटिंग इट। बहुत बार अगर फिश की डेथ होती तो उसके बॉडी में रहने वाले पैरासाइट्स की डेथ होती, कभी कभी प्लांट की डेथ होती तो उसके ऊपर डिपेंडेंट इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करता है उसकी डेथ हो जाती है, कभी कभी इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तो प्लांट की डेथ होती है, क्योंकि उसके लिए कोई पॉलिनेटर ही नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। वन स्पीशीज, स्पीशीज वन डिपेंड्स ऑन स्पीशीज टू, सो इफ स्पीशीज टू इज डेड देन स्पीशीज वन विल ऑल्सो डाई, सो दे आर टूगेदर, दे आर ऑब्लिगेटरी कंपल्सरीली डिपेंडिंग ऑन। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। देखिए को एक्सटिंक्शन दिख रहा है आपको, देखो पैसेंजर पिजन और उसका पैरासाइट कोलंबी कोला, वो पैरासाइट दिख रहा है, वो छोटा सा इंसेक्ट है, बहुत ही छोटा, ये इनके बॉडी के ऊपर है, अब ये पिजन ही नहीं रहा तो ये किसके बॉडी पे रहे, गेटिंग इट, इट इज को एक्सटिंक्ट, ऐसा हो। ठीक है, कैन यू रिपीट, हेलो, somebody said to repeat, क्या रिपीट करना और कहां से,
कोई मैम को एक्सटिंक्शन को-एक्सटिंक्शन क्या? यस ओके आई कैन रिपीट श्योरली व्हाट इज को-एक्सटिंक्शन. देखो को मतलब साथ में रहना, जैसे बोलते हैं ना कोऑपरेटिव कंपनी को, तो ये एक स्पीशीज ए है और ये बी है, ये साथ में रहे, ठीक है. अब अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेटिक कंडीशन या ह्यूमन प्रॉब्लम या पॉल्यूशन की वजह से बी एक्सटिंक्ट हो गए, तो ए उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो ए भी एक्सटिंक्ट. सो एक्सटिंक्शन ऑफ टू स्पीशीज टूगेदर बिकॉज दे वर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर बाई ऑब्लिगेटरी वे. ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी, उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो एक दूसरे के साथ ही रहते. तो क्या होगा, इफ ए विल डाई बी विल ऑल्सो डाई. तो बहुत सारे ऐसे ग्रासेस होते हैं जो सपोज ये ग्रास और इस ग्रास पे ये इंसेक्ट है, वो ही खा. तो अगर ये ग्रास एक्सटिंक्ट हो गया तो इंसेक्ट भी एक्सटिंक्ट हो जाए ऑटोमेटिक. तो कोई प्लांट जिसका पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो सकता है, कोई फूड, वो फूड एक्सटिंक्ट हो गया तो उसका जो खाने वाला ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है. कोई होस्ट है उसके बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट रहता है, तो अगर होस्ट की डेथ हो गई तो पैरासाइट की डेथ हो सकती है. ये देखिए पैसेंजर पिजन का एक एग्जांपल है, ये रहा पैसेंजर पिजन, ये एक्सटिंक्ट हो गया. अब उसके बॉडी के ऊपर बहुत छोटे 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 इंसेक्ट रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो रहेगी, ये उसका इंसेक्ट होस्ट है, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि पैसेंजर पिजन ही नहीं रहा, सो हाउ विल इट सर्वाइव. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर बहुत सीरियसली डिपेंडेंट एंड वो एक साथ एक्सटिंक्ट हो सकता, ठीक है. कब, जब डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है. सो दैट इज देयर. आपने इसमें देखा होगा पेंडेमिक में कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए. अभी एक सिंपल चीज है, आप कॉलेज नहीं आते हो, ठीक है, हम सब कॉलेज नहीं जाते, एक पर्टिकुलर अमाउंट ह्यूज क्राउड कॉलेज जाता था. अब सोचो तो कॉलेज का कैंटीन बंद हो गया, क्यों, स्टूडेंट ही नहीं तो कैंटीन कैसे चलेगा, जब आप जाओगे वो भी रिटर्न आएगा, इज़न्ट इट, नहीं तो कैंटीन किसके लिए खुलेगा. तो उसका काम पूरा बंद हो गया क्योंकि कॉलेज बंद हो गया, साथ में चलते थे ना दोनों, दैट वे. तो एक से दूसरे को इफेक्ट होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता, ठीक है. We are aware of threat to diversity and loss of species. We know this. ठीक है, जब कोई भी species totally end हो जाती है तो उसको बोलते हैं extinct. Totally end. खत्म हो गई. Dinosaurs. क्या हो गए? Extinct. उनको हम वापस ला सकते हैं? नहीं. ठीक है, जब उनका number extinct नहीं कम होता जाता है, dwindling. Dwindling मतलब कम होना धीरे धीरे, तो उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड. तो उनको क्या बोला जाता है? एंडेंजर्ड. तो यहाँ पे देखिए क्लास, आई विल रिपीट अगेन, कोई भी स्पीशीज जो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो जाती है उसके लिए वर्ड है एक्सटिंक्ट, जिसका नंबर कम हो जाता है उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड. तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन IUCN, उसका पुराना नाम क्या था, किसी को पता है? IUCN का ओल्ड नेम WWF, ओके, इट वॉज कॉल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन था, ओके. तो वो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन था उसका नया नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. ये पूरे वर्ल्ड में ये जो ग्रुप है ये लिस्ट बनाता है कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है, कौन सी कम हो रही है, किसको क्या हो. तो उनकी एक बुक निकलती है जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, ऐसी रेड कलर की बुक होती हो, सपोज ये रेड डेटा बुक है, पूरी रेड होती है, इट इज लाइक दिस, और उस पर ब्लैक से लिखा रहता है, रेड कलर बुक एवरी, एंड उसके ऊपर पे हेडिंग रहेगी सपोज रेड डेटा बुक ऑफ रेप्टाइल, तो यहाँ पे रहेगा रेप्टाइल, ब्लैक से लिखा रहता है रेड डेटा बुक में,
और उस रेड डेटा बुक में सारे प्लांट्स और एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जिनका नंबर कम हो रहा है, उनका रिकॉर्ड, कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड हो. सो रेड डेटा बुक इज अ लिस्ट विच हैज स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर बिकमिंग स्पेशली एंडेंजर्ड. तो हर साल उस लिस्ट में नए नाम ऐड होते जा रहे हैं, उसी से पता चल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कम है. सो प्लीज रिमेम्बर एमसीक्यू, हु मेंटेन्स द रेड डेटा बुक, IUCN, ठीक है. वॉट इज फुल फॉर्म ऑफ IUCN? International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. ठीक है, what is the red list? Red list is list of organisms which are endangered, which are at very high risk for extinction. ठीक है, ये देखिए, तो red data जो IUCN है उन्होंने इतनी सारी category बनाई है. आपके book में category का typical way दिया हुआ है, ये देखिए. See. एक्सटिंक के लिए वो वर्ड यूज करते EX, स्पीशीज जिसका लास्ट इंडिविजुअल की डेथ हो गई है या हमें पता भी नहीं चला वो कहाँ गए, डेथ होते हुए भी नहीं देखा, वो बस चली डिसअपीयर हो गई, अब वो दिखाई नहीं दी. तो नॉट रिकॉर्डेड मतलब कई सालों से उनको देखा नहीं, तो हम मान के चल रहे वो एंड हो. EX, एक्स बोलते एक्सटिंक, ठीक है. अब ये देखिए, एक्सटिंक इन वाइल्ड मतलब EW, ये अभी भी मिलते हैं लेकिन सिर्फ जू में, यानी जो जू होता है, जूलॉजिकल पार्क होता है जहां पे उनको केजेस में रखा जाता है, वही वाइल्ड में, जंगल में अभी भी नहीं मिलते. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है, मतलब वाइल्ड में नहीं मिलते, ठीक है. नेक्स्ट में देखिए, CR, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ही बुरे हाल में है. तो इनका क्या हो रहा है, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. कुछ 50 ही बाकी, 50 या 50 से कम बचे. सपोज मैंने अगर बोला कि गोल्डन जैकल एंडेंजर्ड है, ओके, तो मतलब क्या हुआ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो मे बी पूरे वर्ल्ड में उनका नंबर 50 के ऊपर नहीं, तो 50 की तो कोई गिनती नहीं ना, अगर पूरे वर्ल्ड का नंबर देखेंगे, मतलब वो बहुत जल्दी क्या होने वाले, एक्सटिंक्ट, बहुत ही बुरे हाल. फिर आता है एंडेंजर, जो हम ज्यादा यूज करते हैं, एंडेंजर स्पीशीज जिस जो हाई रिस्क पे हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही, बहुत फटाफट, बहुत ज्यादा, ओके. तो मोर देन 70% कम हो गई, जो भी उनका नंबर था, ओके, मोर देन मतलब 50-70% क्या हो गए हैं, खत्म हो गए. तो बचे कितने, जितना भी नंबर था उसमें से 30% बचे इन लास्ट 10 years, यानी 10 सालों में उनका नंबर बहुत ही ज्यादा कम हो गया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर फैक्टर. तो उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड, और वो हाई रिस्क में. ज्यादातर क्लास एंडेंजर्ड स्पीशीज, अगर सपोज मैंने बोला स्पीशीज ए एंडेंजर्ड है, तो ये माना जाता है कि वो अभी 20 साल के बाद एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब उनको बचाना बहुत मुश्किल हो. क्रिटिकली एंडेंजर्ड को तो हम एंड ही समझ के चलते हैं, लेकिन जो एंडेंजर्ड है उनको ये माना जाता है कि अराउंड 20-25 years बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करेंगे, बचाना बहुत मुश्किल है, ठीक है. So can you see the four terms here? EX, extinct. EW, extinct in wild, मतलब जंगलों में नहीं है, केज वेज में रखा हुआ है दो चार ग्रुप. क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 50 से ऊपर नहीं है नंबर पूरे वर्ल्ड में, बहुत ही कम हो गया. एंडेंजर्ड, मोर देन 50-70% आर डेड एंड दे आर स्टिल गोइंग डाउन. एंडेंजर, ये देखिए, VU, vulnerable, वो रिस्क में, उनकी 30-50% पॉपुलेशन कम हो गई है और वो एंडेंजर कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं. देखो क्लास, क्रिटिकली एंडेंजर एक्सटिंक्ट होने वाला है, एंडेंजर क्रिटिकली एंडेंजर होने वाला है, vulnerable एंडेंजर होने वाला है. खड़ी करिए, सो vulnerable वो कैटेगरी है जिनकी पॉपुलेशन
30-50% कम हो रही है इन लास्ट 10 ईयर, और वो बहुत जल्दी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड. तो दैट इज नियर थ्रेटेंड. नियर थ्रेटेंड मतलब अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी वो वल्नरेबल में आ सकते, बहुत जल्दी वो वल्नरेबल में आ सकते. लीस्ट कंसर्न जो सब जगह मिलते हैं, उनकी कोई खास काउंटिंग करके देखा तो देखा बहुत ज्यादा है नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे ह्यूमन बींग्स है ना, हम एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे, हमारा तो नंबर बहुत ज्यादा. लीस्ट कंसर्न कैटेगरी कंटेनिंग स्पीशीज विच आर परवेसिव, मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंट, ठीक से गिन लिया बहुत है. कॉकरोचेज बहुत है, रैट बहुत है, है ना, मक्खी बहुत है, मच्छर बहुत है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो एंडेंजर नहीं. लीस्ट कंसर्न, उनकी कोई चिंता नहीं, ठीक है. तो ये लिस्ट कौन दे रहा है हमको, कौन दे रहा है, IUCN. ओके, डेटा डेफिशिएंट. कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनको हम स्टडी नहीं कर पा रहे, मतलब वो इतने घने जंगल में रहते हैं या ऐसे पहाड़ों में रहते हैं जहाँ जाके देखना, ढूंढना, पता करना मुश्किल है. तो उनके बारे में हमको ठीक से डेटा मिलता ही नहीं कि उनका नंबर कितना है, क्या है. या वो ऐसी होती है जिनके बारे में अभी अगर सॉइल का कोई बैक्टीरिया है तो कैसे करें, कहाँ तक ढूंढे, ऐसा. तो डेटा डेफिशिएंट, वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या. नॉन इवैल्यूएट मतलब जो आज तक डिस्कवरी नहीं हुए तो उनको कहाँ से गिनेंगे, है ना. वो है तो सही दुनिया में, बराबर है, बहुत सारे हैं, तो हमने सबको तो गिन के लिए रखा है, सबके सबके बारे में हम पढ़ाई नहीं कर सकते. तो वो किस ग्रुप में आएंगे, नॉन इवैल्यूएटेड, ठीक है. सो टेल मी, वी हैव कैटेगरी डेटा डेफिशिएंट, जिसके बारे में हमारे पास ठीक से डेटा नहीं है, हम ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो वो बहुत ही और क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, या काफी घने जंगलों में रहते हैं, या बहुत ही कोल्ड जगह पे रहते हैं जहाँ जाके स्टडी करना मुश्किल होता है. दूसरा, नॉन इवैल्यूएटेड हमने ढूंढा ही नहीं है, पता ही नहीं और कितने ऑर्गेनिज्म है, तो उनके बारे में हमको नहीं, ठीक है. अब जब भी हम डिसाइड करते हैं कि कितना रिस्क है, तो क्या क्राइटेरिया यूज, कितनी स्पीड से पॉपुलेशन कम हो रही, डिक्लाइन, कहाँ तक वो स्पीशीज फैली हुई, ज्योग्राफिकल रेंज, क्या वो एक ही जगह पे मिलती है, जैसे पेंगुइन, तो वो तो फिर एंटार्क्टिका में ही ढूंढना पड़ेगा ना उनको, अब उनको मुंबई में तो नहीं ढूंढ सकते, तो ज्योग्राफिकल रेंज बहुत लिमिटेड है, ठीक है. पॉपुलेशन साइज कितना है, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं, ठीक है. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है क्या, मतलब हमने एक्चुअली गिना है क्या, तो इट डज इट इंडिकेट एक्सटिंक्शन होने वाला है, ये सब देखा जाए. स्पीशीज का पॉपुलेशन कितना कम हो रहा है, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं क्या, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत यूनिक है क्या, और क्वांटिटेटिवली जब गिना तो नंबर एक्चुअली कितना कम, उसके हिसाब से आप रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन डिसाइड, ठीक है. अब एक्सटिंक्शन तो पक्का हो ही रहा है 100%, तो कैसे बचाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोलाइट हमको बचाना है, तो कैसे बचे, ठीक है. तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि वो जो पैसेंजर पिजन है, जो स्टीलर काउ है, करेक्ट, वो नाइल पर्च है या सिक्लिड है, हमको क्यों बचाना है, वाई, मैं क्यों इतनी कोशिश करूं ये टाइगर को बचाने की, वाई टू. देखो टाइगर नहीं भी है तो क्या फर्क, आर वी फ्रेंड ऑफ टाइगर, हम रोज जाते हैं उसको मिलने, नहीं है ना. ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन इसलिए नहीं मिल रहे और पहले बहुत मिलते थे, नहीं, टाइगर ले लो, जेब्रा ले लो, है ना, हमें उनसे कोई मतलब नहीं. अगर टाइगर सपोज ऐसा डिक्लेयर हो जाए कि सारे टाइगर्स की डेथ हो गई, तो ठीक है, हम लोग एक दिन सोचेंगे अरे रे टाइगर खत्म हो गए, ओके, काफी डिस्कशन होगा उसके, बस बात खत्म हो जाएगी, जैसे एक्चुअली यही हो अगर हुआ. तो क्वेश्चन आता है जब इतना जरूरी नहीं है,
बहुत सारे ऐसे हैं, देखो आपने कितने सारे नाम पढ़े जो हमको पता भी नहीं था, अच्छा ऐसा भी कुछ था। तो हम क्यों बचाएं? तो दो अप्रोचेज है, ठीक है, दो तरीके होते हैं देखने के। एक होता है नैरो यूटिलिटेरियन रीजन, यानी हम मुझे अभी उससे क्या मिलता है, मुझे क्या फायदा। ओके, नैरो मतलब नैरो माइंडेड, थोड़ा सा क्या फायदा अभी बताओ, इसको मैं क्यों बचूं, ठीक है। तो हमको पता है कि हम अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं, ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट सेल्फिश एनिमल ऑन अर्थ। तो हमें कुछ फायदा नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करते, तो या तो हमें उससे फूड मिल रहा है, या कुछ क्लोथिंग मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है, या हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या मेडिसिन मिल रही है, कोई परफ्यूम मिल रहा है। हम प्लांट एनिमल सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, क्या ये मेडिसिनल प्लांट है? अच्छा तो फिर बचा लो, ठीक है, ट्राई करो बच्चे, है ना। अगर मुझे इस एनिमल से कोई टिपिकल, उसकी स्किन बहुत यूनिक है, तो ठीक है कोशिश करते बचाने की, करेक्ट। तो मुझे क्या मिल, मैं सिल्क वॉर्म को बचाऊंगी ना, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, बाकी सारे वॉर्म से मुझे क्या करना है, ये होता है नैरो है, तो वो तो है ही। अगर डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं है तो मैं जैसे अर्थ वॉर्म, हम बचाएंगे उनको क्योंकि हमको पता है वो फार्मिंग के लिए जरूरी, उनकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती, लेकिन बाकी के इतने हजारों वॉर्म से हम क्यों बचे ऐसे? तो आर वी गेटिंग सम बेनिफिट, इमीडिएट बेनिफिट? तो बहुत सारे प्लांट से हमें परफ्यूम मिलता है, बहुत सारे फ्लावर से परफ्यूम मिलता है, हनी मिलता है, रेजिन टेनिन इंडस्ट्रियल मटेरियल, करेक्ट। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से हमको टेक्सटाइल मिलता है, कपड़े हैं, कोई फूड है, करेक्ट। तो वो हमारा नैरो बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए नैरो बेनिफिट में और क्या, एस्थेटिक यूज मतलब डेकोरेटिव यूज। हम एनिमल्स को देखने जाते हैं जू में, इधर उधर उनको रखते हैं केजेस में, करेक्ट। तो वो हमारा, हमको उनको देख के अच्छा लगता है, जैसे बच्चों को जू ले जाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं एनिमल्स को देख, बस हमारी खुशी। फिर मेडिसिनल यूज प्लांट्स, कम से कम 25% ऑफ प्लांट्स आयुर्वेदा, यू नो इज अ वेरी स्टैंडर्ड मेडिसिनल सिस्टम, करेक्ट। ट्राइबल लोग कम से कम 25,000 वैरायटी यूज करते हैं एज मेडिसिन, ठीक है, फाइन। बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हमको पता भी नहीं है, ठीक है। तो आजकल हम चेक कर रहे हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, यू हैव हर्ड अबाउट बायो प्रोस्पेक्टिंग? बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए नए प्लांट्स और एनिमल्स को ढूंढो और उनसे मिलने वाले केमिकल्स ढूंढो जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो प्रोस्पेक्टिंग इज ढूंढो, नया ढूंढो, ठीक है। अच्छा ये पेड़ से ये मेडिसिन, लेकिन और कोई पेड़ से नहीं मिलती, तो जंगलों में जाके रिसर्च की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पता किया जाता है जिनको अभी तक हम यूज नहीं करते, पर वो उगते हैं, तो उनको ढूंढो क्या उनसे कोई केमिकल मिल सकता है, उसमें कोई नया टिपिकल जीन है क्या, कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिल सकता है, कोई अलग तरीके की लकड़ी मिल सकती है, रबर मिल सकता है, क्या मिल सकता है। सो दैट बायो प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग न्यू वेज, न्यू मेडिसिन, ये भी ढूंढ सकते हैं। अब ये तो छोटी बात, ब्रॉड वे में, यानी हम छोटे मोटे फायदे तो जो मैंने अभी बोले, ब्रॉड वे में देखिए क्लास, हम चाहे या ना चाहे प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, यस। तो अगर आपको ऑक्सीजन खरीद के लेना, फ्री ना मिले, ऑक्सीजन खरीदना पड़ा, आजकल अगर आप ठंडी के टाइम पे दिल्ली पहुंच जाओ, इतना इतना स्मॉग होता है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता, आपने सुना होगा ये जरूर, ठीक है। तो जब आप देखो कैसे, एक सिंपल चीज है, आप पानी पीते हैं ना, बराबर है, जब पानी खरीद के पीना पड़ता है, खरीदा जरूर होगा ना आपने कभी कभी बिस्लरी, तो उसकी वैल्यू समझ आती है। घर से जो पानी की बोतल लेके हम जाते हैं, ठीक है, वो तो फ्री का पानी लगता है ना, तो वो खत्म हो गया। अब बिस्लरी लेना पड़ा तो फिर लगता है अरे ये तो पे करना पड़ रहा है मुझे पानी के लिए, इजंट इट, यू फील इट ना, अदरवाइज यू डोंट फील इट एट ऑल। तो ये क्या है,
अगर ऑक्सीजन का कॉस्ट देना पड़े, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि नेचर हमको फ्री में क्या दे रहा है। बाप रे, हम कुछ भी कर ले तो हम वो रिटर्न नहीं कर सकते। इतनी ऑक्सीजन जितनी हम यूज करते हैं, अगर वो हमको खरीदनी पड़े एक्चुअली में, तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। दूसरा, एनिमल्स पॉलिनेशन करते हैं, हनी बी, स्नेल, बैट, बर्ड्स, है ना, अपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट की आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर, बराबर है, एंटेमोफिलियस में पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, तो वो पॉलिनेशन करते हैं, तब जाके सीड फ्रूट बनता है, सीड इधर उधर फैलाते हैं एनिमल्स, तब जाके प्लांट सब जगह फैलता है, तो ये भी वो फ्री करते हैं। आप सोचो, अगर आपको बोला जाए कि आप पोलन ग्रेन एक फ्लावर से उठाओ और दूसरे फ्लावर में डालो, आप पॉलिनेशन करो, तो आप कर पाएंगे? आपको पता है अभी ऐसा हो रहा है, हनी भी है ना, हनी बी का नंबर 25% डाउन हो चुका, ओके। इसलिए आजकल ह्यूमन पॉलिनेटर होते, ओके, वो अलग अलग गार्डन्स में उनका काम ही हो रहा है, वो उनके पास एक ऐसे स्ट्रॉ जैसा ऑब्जेक्ट होता है, उससे वो पोलन ग्रेन को खींचते दूसरे फ्लावर में डाल। सोच कितना कर पाएंगे हम, इंसेक्ट जैसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो तो फ्री का काम था, अभी हमको करना। एमेजॉन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, लंग्स, वो हमारी लंग्स है। 20% ऑक्सीजन वो देता पूरे अर्थ, 20%, ठीक है। फिर जब भी आप फॉरेस्ट जाते हो, फॉरेस्ट आई डोंट नो आप गए हो या नहीं, पर अगर आप अपने गांव अगर अभी जाओ, तो आपको वो जो ओपन एनवायरनमेंट है वहां पे रहना, वहां उसको देखना, थोड़े दिन नहीं, एकदम फ्रेश और अच्छा लगता, उसको क्या बोलते हैं, रिक्रिएशनल यूज, खुशी होती है, एक अलग सा शांति मिलती है, करेक्ट। लोग क्यों जाते हैं हिल स्टेशन, लोग क्यों जाते हैं जंगलों में घूमने के लिए, आप कैंप के लिए जाते हैं, हाइकिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट, ये जो इधर दिन भर गाड़ियों की आवाज आती है, कितना हल्ला होता है, मशीन की आवाज आती है, वो सब सुनाई नहीं देते ना, तो उससे हमें बहुत ज्यादा क्या मिलती है, शांति, आराम और रिलैक्सेशन, तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज है, रिक्रिएशनल। अगर आप टाइगर को, आई डोंट नो इफ यू हैव विजिटेड एनी वाइल्ड लाइफ सफारी या जू गए होंगे, सेंचुरी, तो आप टाइगर को जंगल में देखें, एक्चुअली रियल टाइगर जंगल में जाके देखे, तो वो इतना ब्यूटीफुल लगता है और इतना स्ट्रांग लगता है, और जो हम पिंजरे में देखते हैं वो कितना दुखी और कितना कमजोर लगता है, आपको वो डिफरेंस पता है। इफ यू एवर गो, वो जंगल में एकदम किंग की तरह एंड ह्यूज एंड एकदम नेचुरल दिखता है, बहुत सुंदर, तो वो देखने के लिए जाते हैं ना लोग सेंचुरीज में, जहाँ पे शेर टाइगर ऐसे घूमते रहते हैं। आपने बहुत बार सफारीज देखे होंगे, करेक्ट, आप गिर नेशनल पार्क, रणथंभौर है, वहां जाइए, वहां पे वो आपको दिखाते हैं, करेक्ट। तो ये ब्रॉड यानी जिसकी हम चाहके भी ये नहीं दे सकते, वैल्यू पे नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी वैल्यूज है, ब्रॉड। अब ये देखिए, आपने सुना होगा अमेजोन फॉरेस्ट में फायर थी, याद है, न्यूज में था लास्ट ईयर, कई दिनों तक आग जलती जा रही, करेक्ट। तो वो क्या है, किसकी वजह से, नेचुरल फायर भी होती है और ह्यूमन फायर भी होती है ना, मैन मेड ज्यादा होती है, क्योंकि हम जंगल में जाके हमने चलते चलते कोई स्पार्क छोड़ दिया, कोई मैपस्टिक छोड़ दी, उसकी वजह से कोई इंडस्ट्री नजदीक में थी, वहां से कुछ स्प्रेड हो गया, वो फायर्स, ठीक है, तो उसकी वजह से इतना सारा नुकसान होता है। स्लैश एंड बर्न पॉलिसी क्या होती है क्लास, इट्स अ न्यू पॉलिसी, सॉरी न्यू नहीं, ओल्ड पॉलिसी, जिसमें क्या करते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं वो एक जगह पे जाते हैं जंगल में, ये सपोज पूरा जंगल,
और उन्होंने ये एरिया लिया, यहाँ के वो सारे पेड़ काट देते हैं स्लैश, फिर जला देते हैं, बंद कर देते हैं, और वो जो एरिया है पूरा खाली हो गया अभी, वहां पे वो रहते हैं, वहां पे खेती करते हैं, 2-3 साल वहां रहे, फिर वो क्या करते हैं नया एरिया में, फिर वो दूसरी एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो जंगल काट देते हैं वहां, वो पूरा जला देते हैं, फिर वहां पे रहते हैं। उसकी वजह से यू कैन इमेजिन धीरे 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 हर 3 साल में वो अगर एक एक एरिया कट करते हुए जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरा फॉरेस्ट खत्म होने लगा एकदम थोड़े ही सालों में। दिस इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न पॉलिसी ऑफ लोकल। वो फॉरेस्ट जाते हैं, उसको कट करते हैं, फिर वो पूरा एरिया यूज कर लेते हैं, फिर कट करते हैं दूसरा, और जरूरत है और कट करो, यही चलता रहता है। तो ऐसे देखो यू कैन सी 90 लाख हेक्टर्स के करीब हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, पूरा कट कर दिया। सो इन 1 ईयर, करेक्ट। सो वी हैव टू थिंक अबाउट अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर। हमको सोचना पड़ेगा कि ये जो ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है क्या वो हमको खरीदना है। अभी आप सोचिए क्लास, अगर आप मार्स में रहते तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती, तो मार्स में जाना है तो ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा फिर। तो सोचो अर्थ में ऐसा हो गया तो क्या, करेक्ट। वी हैव टू थिंक हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अमेजोन फायर, फॉरेस्ट फायर देखिए, आपने सुना तो होगा कि हम जंगल की आग जिसको रुकाना बहुत मुश्किल हो है ना, वो जब एक जगह से शुरू होती है ज्यादातर गर्मी के सीजन में बहुत बुरी तरह फैल जाती है और कितने हजारों एनिमल्स की डेथ हो जाती है, बहुत मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए भी कभी कभी बीच का फॉरेस्ट कट करना पड़ता है ताकि वो आग फैले नहीं। वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हम अपने नॉर्मल बिल्डिंग फैक्ट्रीज में आग लगती है उसको ही कंट्रोल नहीं कर पाते फायर ब्रिगेड से, तो फॉरेस्ट तो मतलब हमारे हाथ के बाहर हो जाती होगा ऐसा, ठीक है। तो ये है एथिकल रीजन। थर्ड रीजन एथिकल, एथिकल मतलब हमने ये डिस्कस किया था बायोटेक सही या गलत, तो कोई भी एंगल से हमें राइट है क्या किसी पेड़ को काटने का, किसी एनिमल को मारने का, नहीं, एथिकली हम गलत ही चल रहे। वी हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय किल एनीथिंग ऑन अर्थ, जैसे हम लिविंग है वैसे ही बाकी सारे ऑर्गेनिज्म भी लिविंग, एक छोटा सा पेड़ भी लिविंग है, एक बड़ा सा पेड़ भी लिविंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग है, सब लिविंग, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इक्वल राइट। और अगर आप ये बोलोगे कि हमारा ज्यादा राइट है, तो क्लास आपको पता होना चाहिए हमसे पहले बैक्टीरिया आए हैं दुनिया में, हमसे पहले कीड़े मकोड़े आए हैं, हमसे पहले पेड़ आए हैं, हम बहुत लेट आए हैं, तो हमारा राइट तो बहुत ही पीछे है। अगर हम ये भी बोले कि सबसे पहले कौन आया उसका राइट है, तो भी हम सबसे पीछे पड़ गए। आर यू गेटिंग इट? तो हमारी तरह हर एक को राइट, वो अलग बात है कि हमारे पास ब्रेन है, पावर है, और उस पावर को हम मिस यूज कर रहे हैं, वी आर मिस यूजिंग इट, टोटली मिस यूज, ठीक है। चलो अब ये डिस्कशन से ये तो पक्का है कि बचाना तो पड़े है ना, कंजर्वेशन करना सही बात, कैसे? अब आप बोलोगे मैं टाइगर को कैसे बचा, मैं क्या करूँ उसके लिए, वो तो रोज की मेरी चीज नहीं है, बराबर है। कभी कभी आपकी इच्छा भी होती होगी कि ओके ठीक है हमें नेचर को बचाना चाहिए, अभी मुझे क्या करना है, मैं ऐसा क्या करूँ कि हेल्प हो जाए। तो देर आर टू वेज 100% क्वेश्चन में काउंट करेंगे आप इसको, वॉट आर द मीन्स ऑफ कंजर्वेशन, और दोनों में से एक मेथड हर साल आता रहता है, ओके। तो देर आर टू मेथड्स, इन सीटू और दूसरा है एक्सिट। यहाँ पे देखते एक्सिटू में वर्ड दिखा रहा है, ये रहा एक्सिट, ओके। तो हम इन सीटू और एक्सिटू देखे, ठीक है क्लास। ये देखते इन सीटू मतलब जहां है जैसा है वैसा ही रख, मतलब इंटरफेयर करने का ही नहीं,
जो चीज को बचाना है उसको उधर ही नेचुरल एनवायरनमेंट में बचाया जाए। देखिए, इन सेम सिचुएशन इन सीटू, तो प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिटेट में। तो अगर मैं जंगल को बचा लूं, फॉरेस्ट को बचा लूं, पेड़ को बचा लूं, रिवर को बचा लूं, तो ऑटोमेटिकली उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म बच जाएंगे। एक सिंपल चीज है ना, अगर मैं रिवर में पॉल्यूटेड वाटर नहीं डालूं, तो सेव करूं, मैं फॉरेस्ट में ह्यूमन बींग आए जाए नहीं, पेड़ों को काटे नहीं, उसको प्रोटेक्ट करूं, तो नेचुरली उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म बच जाएंगे, जैसा है वैसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंडिया ने बोला डिक्लेयर करो, क्या डिक्लेयर करो, फॉरेस्ट रिजर्व। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि सपोज ये इंडिया, तो सपोज यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ है, आई एम जस्ट मेकिंग रफली, ओके। तो अब यहाँ पे कभी भी गलती से भी कुछ और नहीं आ सकता, तो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब बाकी के एरिया में आपको जो करना है करो, पर वहां पे नहीं आने का, वो आप किसी भी कंडीशन में कट नहीं, दैट इज कॉल्ड अ रिजर्व फॉरेस्ट। आपको वहां से रेलवे ट्रैक बनाना है, नहीं बना सकते, आप घुमा के जाओ, ओके। आपको उधर एक टनल बनाना है, नहीं बना सकते, फिक्स है वो, रिजर्व हो, ठीक है। तो बहुत सारे रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया ने डिक्लेयर किए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है काना फॉरेस्ट। काना इफ यू नो इज इन एमपी, मध्य प्रदेश। काना किस लिए फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व है, पूरे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। यू एवर गेट अ चांस यू शुड गो इन सीटू। बेस्ट मेथड यही है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, उसको हाथ मत लगाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो। अगर एक रिवर फ्लो हो रहा है, उसको फ्लो होने दो, उसके फ्लो होने का स्पीड, उसका पाथवे मत बदलो, उसको रुकाओ मत, उसके ऊपर डैम्स मत बनाओ, जैसा है वैसा रहो। तो इन सीटू मतलब एज इट इज एट होम। क्लास अगर आपकी बोर्ड एग्जाम आती और मैं बोलूंगी एक काम करो, आप मेरे घर में आके बैठिए और मेरे घर में पढ़ाई कीजिए, यहाँ से एग्जाम देंगे, कंफर्टेबल? नो। आप क्या बोलोगे, नहीं मेरा घर जैसा भी है, मैं मेरे घर से ही एग्जाम देना पसंद करूंगी, इज इट? क्योंकि वो आपका एट होम कंडीशन, मेरा घर आपके लिए फॉरेनर हो जाए, इज इट? चाहे मैं कितना भी कुछ भी आपके लिए करूं, पर मोस्ट कंफर्टेबल होगा नहीं, क्यों? अपने घर में हम अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, जैसा हमको कंफर्टेबल है वो। तो इसीलिए व्हाट इज बेस्ट कंजर्वेशन टेक्निक, कंजर्वेशन एट होम। फॉरेस्ट को फॉरेस्ट कंजर्व करो, उसका एनिमल अपने आप बच जाएगा। रिवर कंजर्व करेंगे, ओशियन को बचाएंगे, तो फिशेज अपने आप ठीक हो जाएंगे, फिर हमें कुछ करने की जरूरत। सॉइल को बचाएंगे तो पेड़ बच जाएंगे, उसके अंदर का बैक्टीरिया बच जाएगा। सो यू हैव टू कंजर्व इट एज इट इन सीटू, ये सबसे बेस्ट मेथड। लेकिन डिफिकल्ट देखिए, पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए कि इनको बचाना जरूरी है, ओके? पहले 25 डिक्लेयर किए, उसके बाद 9 और ऐड हुए, और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इसमें से 3, 34 में से 3 इंडिया में, ठीक है? सो ये वो एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, स्पीशीज रिचनेस, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ही नेचर से फुल एरिया। तो इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रैटेजिकली, मतलब लीगली, भले ही आप उधर आर्मी बिठाओ पर उसको बचाओ, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट, ओके? लेजिस्लेटिव मेजर, लीगल रूल, अवेयरनेस तो है, सब कुछ है, लेकिन ये भी बनाना पड़ेगा कि वहां पे जाके पेड़ काटा तो ये सजा मिलेगी, ये होगा, वो होगा, ऐसे रूल्स बनते रहे, फाइन लगेगा, ये एनिमल को मारना मना है, तो आपको वो पूरा लीगली प्रॉपरली करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा और एक है कि जो ट्रेडिशनल वैरायटी हमारी पुरानी, उनको फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाए,
तो बहुत सारी ट्रेडिशनल वैरायटीज को छोड़ के हम आजकल क्या ग्रो करते हैं, मॉडर्न वैरायटी, मॉडर्न टाइप ऑफ क्रॉप, मॉडर्न टाइप ऑफ राइस, जो जल्दी ग्रो होता है, जो फास्ट ग्रो होता है नेचुरली फूड डिमांड की वजह से। लेकिन अगर हम हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी को भी फार्मिंग में ग्रो करेंगे तो वी कैन प्रोटेक्ट देम। यू कैन सी हियर वेरी यूनिक एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र, पावरा ट्राइबल्स, सातपुड़ा। सातपुड़ा इज अ माउंटेन रेंज इन महाराष्ट्र, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस है सातपुड़ा भी। ओके, वहां पे आपको उन्होंने अपनी वैरायटी ऑफ मेज, मेज मतलब क्या बोलते हैं, मकई। ओके, तो वो अलग अलग कलर की वहां पे वैरायटी ग्रो होती है। ये अगर मेज है ना, तो मेज में ये नॉर्मल मेज ऐसे बहुत सारे दाने, ठीक है, उनमें जो मेज के दाने होते हैं वो अलग अलग कलर्स के, पिंकिश, वॉयलेट, पर्पलिश, रेडिश, ऐसे अलग अलग। तो उनको वो ग्रो करते हैं ट्राइबल एरिया में, और वो वैरायटी अभी तक है। क्यों है? क्योंकि वो उसी को ग्रो करते हैं ट्राइबल वाले, वो बोलते हैं हम दूसरी वैरायटी नहीं खाएंगे, तो उस वजह से वो वैरायटी तो बच गई ना, इजंट इट? सो दैट इज मच बेटर, करेक्ट। सो इन महाराष्ट्र, पावरा ट्राइबल्स इन सातपुड़ा, दे हैव प्रोटेक्टेड द वैरायटी ऑफ कॉर्न। ओके, मेज की वैरायटी उन्होंने प्रोटेक्ट कर ली जो वो खुद ग्रो कर, ठीक है। इन सीटू देख क्या क्या कर सकते, बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन में अगर आप कोई भी बोटैनिकल गार्डन विजिट कीजिए, कोई भी जो आपको अगर ऊटी वगैरह जाने मिले तो ऊटी बोटैनिकल गार्डन है बहुत बड़ा, वहां पे अगर आप जाते तो आपको कम से कम एक गार्डन में कम से कम मिनिमम 3000 वैरायटी ऑफ प्लांट देखने में एक ही गार्डन में कम से। तो क्या करते हैं वो, हर पॉसिबल वैरायटी उधर ग्रो करते, तो वो बोटैनिकल गार्डन में है। नेशनल पार्क आपको पता है वहां के एनिमल, फॉरेस्ट, प्लांट सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके एक छोटा सा एरिया जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बर्ड सेंचुरी, कुछ जगह पे बर्ड्स आते जाते हैं, इंडिया में बहुत फेमस है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, वहां पे साइबेरियन क्रेन आते हैं, रिमेम्बर साइबेरियन क्रेन आते हैं वहां, तो वो बर्ड सेंचुरी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट्स इंडिया ने बहुत सारे बनाए, यू नो अबाउट टाइगर प्रोजेक्ट्स, जैसे अगर आप बॉम्बे में संजय गांधी नेशनल पार्क गए हैं बोरीवली में, तो वहां पे भी टाइगर प्रोजेक्ट्स है। उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर्स को बचाया जाता है, उनके खाने पीने रिप्रोडक्शन सब चीज पे ध्यान दी। एज अ स्टूडेंट एंड एज अ कॉलेज यू शुड नो, आप टाइगर को जैसे सपोज नेशनल पार्क में अगर 20 टाइगर, तो आप उसको एडॉप्ट कर सकते, एडॉप्ट मतलब ये एक टाइगर हमारा है। हमारा है मतलब क्या, उसके पूरे साल भर का खाना पीना, उसकी दवाई या जो भी उसके लिए लगता है, वो पूरा खर्चा आपका कॉलेज देगा या आपका ग्रुप जो भी होगा। तो जैसे अगर एक कॉलेज एक टाइगर को अडॉप्ट करता है, तो कॉलेज में अगर समझो 2000 बच्चे, तो क्या करना है, हर महीने ₹1 देना है 2000 बच्चे, समझो, करेक्ट। तो वो पूरा का पूरा पैसा कॉलेज किसको दे देगा, नेशनल, या हर महीने ₹10 देना। तो ₹10 किसी को हैवी नहीं लगता, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ स्कूल्स ऐसे टाइगर्स को अडॉप्ट कर, ओके, वो आपके फीस में लिख के फॉर प्रोजेक्ट टाइगर, और सपोज प्रोजेक्ट टाइगर आपकी फीस में दिख रहा है और आपने आपसे उसके लिए ₹100 लिया साल का, ₹100, तो वो आपको भी हैवी नहीं लगेगा, लेकिन वो ₹100 और आप इतने सारे बच्चे उस कॉलेज के एक टाइगर को बचा लोगे, उसकी नीड्स के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, उसके पिंजरे के लिए, उसके साइंस में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो बचा सकते, ऐसा, ठीक है। देन क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट्स बहुत सारी जगह पे, रेप्टाइल्स बहुत सारे, स्पेशली मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक है, वहां पे बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, तो वो आप
देख सकते हैं, जू गार्डन्स जहाँ पे जू भी है और गार्डन्स भी है, वहां पे आप एनिमल्स को केज में देख सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर लाइन, वाटर लाइन मतलब जहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड, लेक, मार्शी एरियाज है, नेचुरल पॉन्ड, तो वहां पे नॉर्मल अलगे, छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते ऐसा, तो दैट कैन बी डन। ये देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, आसाम में ना काजीरंगा। ये देखिए अगर उस राइनो का एक हॉर्न होता है, इंडिया इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो ना, तो वो उसके लिए फेमस है। यू कैन सी हियर हिमालय में यू हैव, ये हिमालयन चीता दिख रहा है आपको, इफ यू नो अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट वॉज अ वेरी फेमस हंटर एंड नेचुरल कंजर्वेशन। ये देखिए टाइगर प्रोजेक्ट बहुत जगह पे, काना पे है, तो दैट कैन हेल्प अस। तो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट स्टेट वाइज देखो क्लास, अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पे कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा मिलता है, किसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, किसके लिए हम काम कर सकते हैं उस पर करना है, कोई दूसरे स्टेट से एनिमल लेके इधर नहीं आना, हमको हमारे पास जो उसको बचा, ओके। महाराष्ट्र में बहुत सारे रिजर्व्स हैं, यू नो इफ यू नो भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ताडोबा है, करेक्ट। तो वी हैव टू सी, हम मुंबई में रहते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास नेशनल पार्क है, कभी आपने विजिट किया उसको पिकनिक छोड़ के वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत यू विल फाइंड उधर भी काफी कुछ है। आपका जो भाईकला जू है, करेक्ट, बहुत बुरे हाल में होता है, उसको हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। वहां भाईकला जू जो बॉम्बे के बीचों बीच है, अभी उसको शिफ्ट करने का प्लान चल रहा है, तो जैसे बॉम्बे के लोग चाहते ही नहीं कि वो शिफ्ट हो, क्योंकि वो बोलते हैं फिर वो दूर चला जाएगा तो हम कैसे जाएंगे जू, पर भाई जू एनिमल को डिस्प्ले के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए बनाए, हमारे लिए नहीं, वो डेकोरेटिव चीज थोड़ी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनिमल्स, ठीक है। ये इनसिट, ये देख इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दिख रहे हैं, क्लास 3, प्लीज लर्न दिस फॉर एमसीक्यू, और वो तीनों का नाम बोलिए। वेस्टर्न घाट, मैं हमेशा वेस्टर्न घाट बोलती हूँ, हम क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं, सह्याद्री माउंटेन रेंज, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा का जो बाउंड्री में घाट्स है, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मा, ये तीन एरियाज इंडिया में पड़ते हैं जहाँ पे 34 पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 3 हमारे, ठीक है। तो अगर हम इनको बचाए तो 30% बायोडाइवर्सिटी का जो स्पीड है वो कम हो, अगर हम उनको, ठीक है। तो इंडिया कर रही है कोशिश, और हमारी बेस्ट कोशिशों में हमने क्या किया, देखो 14 बायो रिजर्व डिक्लेयर किए, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया, देखो 14 स्मॉल एरियाज है बायो रिजर्व, 90 नेशनल पार्क्स ऑल ओवर इंडिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो कि 448। महाराष्ट्र में अकेले में 5 नेशनल पार्क और 11 सेंचुरीज हैं, हमारे खुद के स्टेट में देखो, तो अगर आप देखें तो काफी है इंडिया में, काफी मौका है बचाने का एंड काम करने का अगर हम चाहें तो भी, इज इट इट। सिर्फ वो अलग बात है कि हमारे हम डे टू डे रूटीन से बाहर नहीं आते, वी आर अनेबल टू डू, बट वी शुड एट सम पॉइंट ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ अस। सो इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन हैज ऑलवेज कनेक्टेड विद नेचर एंड रिचुअल्स, अगर आप इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को देखेंगे तो एनिमल्स को भी, बहुत सारे कल्चर में एनिमल्स की पूजा की जाती है, बहुत सारे कल्चर्स में प्लांट की पूजा की जाती है, करेक्ट, बहुत सारे कल्चर्स में टिपिकल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, बहुत सारे ट्रेडिशन में हर इस प्लांट का इम्पोर्टेंस है, तो उससे क्या होता है नेचुरली बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि वो हमारे इनबिल्ट, हमको वो बताना नहीं था, और आपका एक फेथ होता है, अच्छा ऐसा,
तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशन ही वैसे बने हुए कि आप बचा सकते हो, लेकिन कब आप कल्चर को फॉलो करोगे तो, नहीं करोगे तो नहीं बचाओगे ना। हम बहुत सारी चीजें कल्चर में ऐसी जो हम नहीं करते, हमको नहीं करना, इज़न्ट इट, पर आप चाहो तो कर सकते ऐसा, ठीक है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट को साइड में रखता है और उनकी पूजा की जाती है, उनको बोलते हैं सीक्रेट ग्रुव्स। तो ट्राइबल एरिया में अगर ये फॉरेस्ट है तो उनको क्या किया जाता है, ट्राइबल है जंगल के लोग, या देवराय, वेरी वेरी करेक्ट, परफेक्ट वर्ड बोला आप प्राची, एकदम परफेक्ट बोला आप। तो उनको क्या करते, वहां पे कोई भी पेड़ को काटा नहीं जाता, बल्कि उस एरिया को बहुत ही प्योर और एकदम अच्छे से रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वहां पे पेड़ काटने को ट्रेडिशनली अशुभ बोलेंगे, तो उनको प्रोटेक्ट, पर उस हिसाब से ऐसे बहुत एरियाज बच जाएंगे ना, अगर हम ट्राइबल एरियाज को भी डिपेंड करें, या गांव वालों, जैसे हम बोलते विलेजेस में होता है, ठीक है विलेजेस में होता है, तो उसकी वजह से ये सेक्रेट ग्रुप्स की वजह से इतने एरियाज बच सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज समथिंग, मतलब हमारा कल्चर भी क्या बोलता है, प्रोटेक्ट कर, हमारा ट्रेडिशन भी क्या बोलता है, प्रोटेक्ट करो, हमारा ट्रेडिशन क्या बोलता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करो, तो मेडिसिन तो तब यूज होगी ना जब आप प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लास क्लास वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पार्ट XC2, ओके। तो मेरे ख्याल से कल थर्सडे के लेक्चर में खत्म कर दे, अगर जल्दी हो गया तो जल्दी खत्म हो जाएगा लेक्चर, ठीक है, फाइन। सो आई एम स्टॉपिंग यू फॉर टुडे, ओके, फाइन, बाय क्लास, टेक केयर।